4 जुलाई 2023 सावन के पवित्र महीने के शुरू होने से पहले घर पे ले आइएगा ये छोटी सी चीज। जीवन के हर कष्टों से मिल जाएगी आपको हाथों हाथ मुक्ति। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बन जाओगे आप करोड़पति, वर्षों में मिलता है ऐसा मौका। दोस्तों 4 जुलाई 2023 को सावन का पवित्र महीना शुरू होने जा रहा है, यह पूरा महीना भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है। और अगर आप 4 जुलाई 2023 सावन के पवित्र महीने के शुरू होने से पहले शिव पुराण के अनुसार वह गुप्त चीजें अपने घर पर ला करके स्थापित कर लेते हैं जिसके बारे में आज के हम आपको इस वीडियो में बताने आ रहे हैं, साक्षात आपको भगवान भोलेनाथ का उस प्रकार से आशीर्वाद मिलेगा जिसके बाद आपके जीवन की कितनी ही बड़ी समस्या हो, कितनी बड़ी परेशानी हो, हर प्रकार के कष्टों से आपको हाथों हाथ मुक्ति मिल जाएगी। और इन चीजों को अगर आप सावन के पवित्र महीने से पहले ला करके घर पर स्थापित करेंगे तो आपकी कोई भी मनोकामना हो वो भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से अवश्य ही पूरी होगी। दोस्तों बहुत ध्यान से सुनिएगा इस बात को, सावन को जो पवित्र महीना होता है वो किसी भी मनुष्य के जीवन के भाग्य के उदय कर सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आप अपने जीवन में बहुत परेशान हैं, आपके जीवन में तनाव दिक्कतों ने आपको घेर रखा है, आप बीमार पड़े रहते हैं, अपनी बीमारी का इलाज करा करा के थक चुके हैं परंतु कोई लाभ आपको नहीं मिल रहा, आपका दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ा हुआ है, दरिद्रता से आप बड़ा टूट चुके हैं, तो दोस्तों सिर्फ सावन के पवित्र महीने से पहले आप वह चीज़ें ले आइए जिसके बारे में आज के हम आपको इस वीडियो में बताने आ रहे हैं और आप खुद देखेंगे कैसे जीवन की समस्त दिक्कतों से आपको हाथों हाथ मुक्ति मिल जाएगी। दोस्तों इस बार सावन का पवित्र महीना एक महीने का नहीं होगा बल्कि 2 महीने चलेगा। वेद पुराणों में लिखा हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति पूरे साल भगवान भोलेनाथ की पूजा पाठ नहीं करता है और वह सावन के पवित्र महीने के प्रत्येक सोमवार को भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाकर के शिवलिंग पर एक लोटा जल ही अर्पित कर देता है उसको पूरे साल की पूजा का पुण्य मिल जाता है, उस पर भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा बनी रहती है। इस बार सावन का पवित्र महीना 4 जुलाई 2023 से शुरू होगा, इसका समापन 31 अगस्त 2023 को होगा। पुरुषोत्तम मास की वजह से इस बार सावन का महीना पूरे 2 महीने चलने वाला है। इस बार सावन के महीने में 8 सोमवार के व्रत पड़ेंगे और ऐसा अद्भुत संयोग पूरे 19 साल बाद आया है। और इस दौरान अगर आप भगवान भोलेनाथ की विधि विधान से पूरी सच्चे मन और सच्ची श्रद्धा से पूजा पाठ करेंगे तो आप अपने जीवन में कैसी ही परेशानियों और कैसे ही संकटों का सामना कर रहे हो हर प्रकार की दिक्कतों से आपको मुक्ति मिल जाएगी और आपको आपके जीवन में धन सुख समृद्धि वैभव ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। दोस्तों एक बात का ध्यान रखिएगा, सप्ताह का प्रत्येक दिन किसी न किसी देवी देवताओं को समर्पित होता है, इसी प्रकार से सोमवार का दिन भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है। और हमारे धर्मशास्त्र में कहा गया कि कोई व्यक्ति अगर भगवान भोलेनाथ की प्रत्येक सोमवार को पूजा पाठ करता है तो भगवान भोलेनाथ की कृपा उस पर सदैव बनी रहती है। लेकिन महाशिवरात्रि हो गई, सावन का पवित्र महीना हो गया, इस दौरान भगवान भोलेनाथ बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। और अगर आप इस दौरान भगवान भोलेनाथ जी की पूजा पाठ करेंगे, शिव पुराण के अनुसार उन चीज़ों को घर पर अपने लाकर स्थापित कर लेंगे सावन के पवित्र महीने से पहले जिसके बारे में आज के हम आपको इस वीडियो में बताने आ रहे हैं, दोस्तों मान के चलिए भगवान भोलेनाथ का आपको वो आशीर्वाद मिलेगा जिसके बाद आपको जीवन में कभी भी दुखों का सामना नहीं करने पड़ेगा, आपके जीवन में एक सकारात्मक और चमत्कारी बदलाव आएगा और अपने जीवन काल में आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, चाहे आपका अच्छा दिन हो चाहे आपका बुरा दिन हो, कभी भी भगवान भोलेनाथ को याद करना मत भूलिएगा, क्योंकि भगवान भोलेनाथ इतने भोले हैं कि वो आपके सिर्फ एक लोटा जल चढ़ाने भर से प्रसन्न हो जाते हैं। और एक बार अगर आपको भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मिल गया तो मान के चलिए साक्षात काल भी आकर के आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पे और आपके परिवार पर सदैव बना रहे, भगवान भोलेनाथ जी की कृपा से आपके जीवन में कभी भी आपको दुखों का सामना ना करना पड़े, आपके जीवन में हमेशा आपको खुशियां मिलती रहें, तो पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में तुरंत का तुरंत लिख दीजिए ओम नमः शिवाय हर हर महादेव। और दोस्तों एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा, आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो सावन के पवित्र महीने में करके आप भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद पा सकते हैं वो आके हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे, लेकिन इसके लिए आपको वीडियो लाइक करना होगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डालनी होगी। सबसे पहली चीज़ जो आपको अपने घर पर लानी ही लानी है वो है बेलपत्र। एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र बहुत ही प्रिय होता है और ऋग्वेद में साफ साफ लिखा हुआ है एक बेलपत्र जो होता है वो 6 महीने तक बासी नहीं माना जाता है, 6 महीने तक आप टूटा हुआ बेलपत्र भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर सकते हैं। और अगर आपकी कोई भी मनोकामना है, आप चाहते हैं कि सावन के पवित्र महीने में पूजा पाठ करने के बाद आपकी मनोकामना पूरी हो जाए, तो दोस्तों एक काम कीजिएगा, 4 जुलाई 2023 से पहले आप लोग 108 की संख्या में बेलपत्र तोड़ करके ले आइएगा। इसको लाइए अपने घर पर, जो पूजा घर है पूजा घर में जो भी आपकी ग्रंथ रखी हुई है उसमें 108 बेलपत्र को दबा करके रख दीजिए। सावन महीना 4 जुलाई 2023 से शुरू होने आ रहा है, 31 अगस्त 2023 को समापन होगा। प्रतिदिन आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है और एक
पत्र भगवान भोलेनाथ को अर्पित करना है। अगर आपने इतनी पूजा पाठ इस तरीके से कर लिया जैसे हमने आपको बताया है, तो मान के चलिए दोस्तों आपकी कैसी भी मनोकामना होगी वो भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से पूरी हो जाएगी। अब आपको 108 बेलपत्र तोड़ने के हैं तो ये भी जान लीजिए, जैसे ही सावन का महीना शुरू होगा दोस्तों, बेल वृक्ष जो होगा उससे सारे बेलपत्र गायब हो जाते हैं, क्योंकि लोग जितने होते हैं वो बेलपत्र तोड़ते रहते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो बेल वृक्ष होता है उसकी जड़ में स्वर्ग वास करता है और बेल वृक्ष के बेलपत्र में भगवान भोलेनाथ का वास होता है। बेल वृक्ष के मध्य में माता पार्वती जी वास करती हैं। और अगर आपने यह उपाय कर लिया जो आपको हम बताने रहे हैं दोस्तों, मान के चलिए आपको ब्रह्मांड की महासर्वशक्तिशाली शक्तियों का आशीर्वाद मिलेगा। दूसरा जो आपको चीज अपने घर पर लाना ही लाना है, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर की बरकत हो, आपके घर की उन्नति हो, वो है शिव पुराण। देखिए दोस्तों, बहुत से लोगों के पास तो शिव पुराण है और बहुत से लोगों के पास नहीं है, तो आपको क्या करना है कि अगर आपके घर पर शिव पुराण नहीं है, एक काम कीजिएगा, 4 जुलाई 2023 से पहले एक शिव पुराण लाइए, अपने घर पर स्थापित कर लीजिए। आपको सावन के प्रतिदिन यही करना है कि शिव पुराण की थोड़ी सी पूजा करना है और सावन महीने के प्रत्येक सोमवार को इस शिव पुराण के थोड़ा सा अध्याय पढ़ लेना है। अगर आपने इतना भर कर लिया तो मान के चलिए दोस्तों, भगवान भोलेनाथ की कृपा सदैव आपके घर पर बनी रहेगी, आपके घर पर जो नकारात्मक शक्तियां हैं उनका नाश हो जाएगा और आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों आपको शायद ये बात ना पता हो, लेकिन आपके गुप्त शत्रु बन जाते हैं। देखिए, जब भी आपकी उन्नति होती है या आप अपने जीवन में आगे जा रहे होते हैं, आपके अड़ोसी पड़ोसी, आपके दोस्त यार, आपके नातेदार रिश्तेदार आपके शत्रु बन जाते हैं और वो आपके ऊपर काला जादू, काली विद्या, तंत्र शक्ति कुछ ऐसा करवा देते हैं जिसके से आपके जीवन में आपका दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ जाता है। और अगर आप चाहते हैं कि इन तरीके की नकारात्मक शक्तियों से, बुरी ताकतों से आप बचे रहें, तो आपको क्या करना है, देखिए बस आपको यह करना है कि सावन के इस पवित्र महीने को शुरू होने से पहले आपको एक पीतल का त्रिशूल ला करके अपने पूजा घर पर स्थापित करना है। प्रत्येक सोमवार को इसकी पूजा करनी है। अगर आपने यह उपाय कर लिया इस सावन महीने के शुरू होने से पहले दोस्तों, आपके लाखों शत्रु खड़े हों आपके खिलाफ, वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। जैसा मैं आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता चुके हैं, भगवान भोलेनाथ अगर किसी को भी आशीर्वाद देते हैं उसका साक्षात्काल भी आकर के कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इसी प्रकार से अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन आता रहे, आपके जीवन में धन की कभी आपको कमी ना हो, तो सावन के इस पवित्र महीने के शुरू होने से पहले आपको बस यह करना है कि एक डमरू लाना है और अपने पूजा घर पर स्थापित कर लेना है। देखिए दोस्तों, डमरू जो है वो भगवान भोलेनाथ को बहुत ही प्रिय है, और अगर आप प्रत्येक सोमवार को इस डमरू को धूप दिखाते हैं तो मान के चलिए सदैव आपके भगवान भोलेनाथ की कृपा मिलती रहेगी और आपके जीवन में कभी भी धन और धान्य की आपको कमी नहीं होगी। अब मान लीजिए दोस्तों, आप लंबे समय से बीमारी से जूझ रहे हैं, आप बहुत परेशान हो चुके हैं, आप चाहते हैं कि उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाए, तो एक बात की आपको बात बता दें कि भगवान भोलेनाथ को भस्म बहुत ही प्रिय है। 4 जुलाई 2023 से पहले आपको भस्म लेकर के आना है और इसी भस्म को भगवान भोलेनाथ को सावन के हर प्रत्येक सोमवार को आपको लगाना है। अगर आपने इतना उपाय सावन महीने के प्रत्येक सोमवार को कर लिया, तो आपकी कितनी ही बड़ी बीमारी हो, कितना ही बड़ा कष्ट हो, वो आपके जीवन से हमेशा के लिए चला जाएगा। अब दोस्तों मान लीजिए आपके जीवन में काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, आप इस चीज़ को लेकर के बड़ा परेशान, आपका दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ा रहता है, तो आपको क्या करना है, एक पीतल का नाग और नागिन का जोड़ा खरीद करके लाना है, अपने घर के मुख्य द्वार के पास इसको स्थापित कर लेना है। अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपके जीवन में जितनी भी बाधाएं, जितनी भी परेशानियां आ रही हैं वो खत्म हो जाएंगी। अगर हो सके तो नाग नागिन का जो जोड़ा आप ला रहे हैं वो चांदी का लिए, लेकिन अगर आपके पास धनवान नहीं है तो दोस्तों आप लोग पीतल का भी ला सकते हैं। अब मान लीजिए दोस्तों, आप चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ आपके घर पर वास करना है, भगवान भोलेनाथ की कृपा सदैव आपके घर पर बनी रहे, तो आपको एक काम करना होगा। देखिए, सावन के पवित्र महीने के शुरू होने से पहले गंगा जल खरीद करके ले आइएगा, पूजा घर में गंगा जल मिल जाता है, और जब भी आप सावन महीने के प्रत्येक सोमवार को अपने घर पर भगवान भोलेनाथ की पूजा करें, थोड़ा सा गंगा जल का छिड़काव कर दीजिएगा, उसी के बाद आप भगवान भोलेनाथ की पूजा पाठ कीजिएगा। अगर आपने इस तरीके से यह उपाय कर लिए तो आपके जीवन में आपको एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा और आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करेंगे। तो दोस्तों वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।